गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आज आपको दिखाने वाले हूँ एक बहुत बड़ा मंदिर, और जिसको देखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर जंगल के रास्ते। यहाँ से अभी दिख भी नहीं रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये ऊपर धार दिख रहा है जो उसके टॉप में है। बहुत टाइम लगने वाला है, हमें पैदल पैदल जाना है जंगल के रास्ते। अभी हम तीन लोग हैं और लोग तो चले गए, कोई पीछे आएंगे। हम चल नहीं पा रहे थे इसलिए हम पहले ही रास्ता लगे और लोग पीछे हैं हमारे दोस्त लोग। तो मैं चलती हूँ मंदिर को। अभी सुबह बजे के हैं 9 और जिसकी पूजा है वो तो चले गए, कब के सुबह ही निकल गए थे वो, क्योंकि धूप भी बहुत आ चुकी है। बहुत धूप लगने वाली है आज, क्योंकि इतनी चढ़ाई है, बहुत टाइम बाद इतनी चढ़ाई चढ़ने को, मतलब चढ़ाई चढ़ ही नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे इतना सारा चीज पहुँच गया है, बहुत खतरनाक। भूपी को हो गई है थकान। अभी देखो इसकी शक्ल, ये शक्ल नहीं दिखाता है। मेरी इंदर ठंडा हो जाएगा रे धूप में। ये देखिए गाइस, ये है भूपेश, ये अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाता। आराम करते हैं हम और चलते हैं उसके बाद आगे को। कॉपीराइट आएगा, बंद कर उसको। ऐसा ठंडा पीते हैं यहाँ पे। अरे देखिए, ये अपने लिए लेके आई है फ्रूटी। अरे यार, ये वाले साथ पे आते हैं वीडियो जगमार। कौन हो चुकी है, आधा रास्ता हमने तय कर लिया, आधा और बाकी है, आधा ही होगा अब तो। और इतने सारा जरूर चप्पल भी। रास्ता हो रहा है बहुत ख़राब यहाँ पे, तो भूपी का सहारा लेना पड़ रहा है मेरे को चलने में, और मैंने चप्पल भी हाथ में पकड़े हैं। तो मैं ऊपर धार में जाके दिखाऊंगी अब आपको, क्योंकि यहाँ से मैं फिसल भी सकती हूँ। उसके बाद पेड़ तो बहुत है पर काफल नहीं लगे यहाँ पे। बहुत सारा जंगल है यहाँ पे, रिमालों का जंगल है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं ऊपर धार पे, और यहाँ से एक चढ़ाई और चढ़नी है हमें। और यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको रंगीली नागरी का नज़ारा। देखिए कितना सारा खड़िया का खान है यहाँ पे, पूरा खान। ये रहा हमारा गांव, रीमा गांव, और वहाँ आगे क्या है, मैं नीचे नहीं जा सकती पर मेरे चप्पल फिसलने वाले हो रहे हैं। तो यहीं से दिखा रहे हैं आपको, साफ दिख नहीं रहा, थोड़ा बहुत तभी दिखेगा। ये देखिए, ये नीचे चला गया पर मैं नहीं जा पा रही हूँ। चप्पल खोल के आ चुकी हूँ नीचे, और नीचे से भी उतना ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं। तो आपको यहाँ पे नीचे वाइट वाइट पूरा ऐसा खदान जैसा दिख रहा होगा, ये खड़िया खान है, खनन है। यहाँ पे बहुत सारी खड़ियाँ निकलती है, और ये मेरे मायके में है। ये मेरा मायका है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये वहाँ का उनका जंगल है। और अभी भूपी लोग और हम यहाँ पे थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम चलेंगे, क्योंकि हमें अभी और बहुत सारी चढ़ाई चढ़नी है। इतना थक गए हम, और लोग भी आ गए सारे लोग, लेकिन हम इनके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि ये जल्दी जल्दी चल रहे। फाइनली हमें दो काफल दिख गए पेड़ पे, दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम चढ़ेंगे नहीं यहाँ पे। तो हम थोड़ा और आगे जाएंगे, देखते हैं आगे को मिलते हैं कि नहीं मिलते, और नहीं मिलेंगे तो हम जाएंगे पपोले वाले जंगल पे। काफल तो आज खाने ही हैं, बहुत टाइम बाद आ रखे हैं, आज 7 साल बाद आ रही हूँ इस मंदिर में। कहाँ पे है, क्या है फूल? अच्छा, पे भूपी को एक किसका फूल है, ये बुरांस का, बुरांस का फूल भी मिल चुका है। भूपी दिखाना जरा नीचे को, वो अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा फिर भी फूल दिखा रहा है पीछे से। ये देखिए, हमें एक फूल भी मिल चुका है यहाँ पे, आजकल नहीं पाया जाता और यहाँ है। हाँ, ये हम मंदिर लेके जाएंगे, हम इसके साथ थोड़ी सेल्फी लेंगे, फिर जाके इसको मंदिर में चढ़ाएंगे। पूरे 2 घंटे लग गए हैं यहाँ चढ़ाई चढ़ने, और अभी 20 मिनट का रास्ता बाकी है।
तो बने रहे आप मेरी वीडियो में, मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर में जाके। तो तब तक के लिए बाय। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, जस्ट हम मंदिर के नीचे ही पहुंचे हैं, अभी गेट पे पहुंचने वाले हैं। और मैं फटाफट से दिखाती हूँ आपको मंदिर का नज़ारा, देखते हैं हमारा मंदिर कैसा है। मैं दिखाती हूँ आपको क्या कर रहे हैं सब लोग, तो आप चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, और हमने पूजा पाठ भी कर ली है। और अब हम दिखा रहे हैं नीचे का नज़ारा, देखिए नीचे कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ऐसा लग रहा है ना, वो नीचे इतनी दूर से हम यहाँ पहुंचे हैं, हमें बहुत थकान हो रखी है। और गाइस आपको एक बात बताऊँ, पहाड़ों में सारे मंदिर ऊँचे ऊँचे पहाड़ों में ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ बहुत सारी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यहाँ तो सिर्फ हमें 2-2.5 घंटे लगे हैं, और पूरा 4-5 घंटे चढ़ाई चढ़ चढ़ के हम बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे ऐसे। तो देखिए नीचे कितना अच्छा लग रहा है, और मौसम भी बहुत साफ है, और देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ धार के पीछे तरफ मेरा ससुराल है, और धार के वाली तरफ मेरा मायका है, तो मेरा दूर नज़दीकी है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो ये देखिए इतनी दूर आ रखे हम। कथा समाप्त होने के बाद ना, ये उपवास करके आए थे सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, और इनके लिए पाठ पढ़ा जा रहे हैं। तो हम तो खाना खा के आए थे इसलिए हम बैठे नहीं, ये सारे लोग उपवास करके आए हैं पाठ पढ़ने के लिए। तो इनका पाठ हो रहा है अभी, तो इनके बाद फटाफट से बड़ी वाली पूजा होगी, और उसके बाद खाना खा के हम चलेंगे घर को। रील बना रहे हैं, देखो इनको पता नहीं है हम इनको वीडियो में शूट कर रहे हैं, नहीं तो ये शर्मा के भाग जाते अभी। और यहाँ पे सारे लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, एक से एक पोज दे रहे हैं सारे के सारे, कोई इधर देखा है कोई उधर। और अभी फटाफट से चलते हैं खाना खाने के लिए, खाना खाने के बाद हमें घर भी जाना है। तो फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।